हेलो फ्रेंड, मैं रेखा मेहर गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और गार्डनिंग में मस्त होंगे। और क्या कहूँ दोस्तों, आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, 26 जनवरी की बहुत ही बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, वो दिन याद आते हैं कि जब हम खुद छोटे थे और स्टूडेंट थे, तो 26 जनवरी को सुबह सुबह स्कूल जाना, जनगणमन करना और छोटे छोटे प्रोग्रामों में भाग लेना कितना ही अच्छा लगता था दोस्तों। और वो दिन अभी याद आते हैं तो, पर सबको ये दिन बहुत ही मुबारक हो। अब हम नहीं जाते तो हमारे बच्चे जाते हैं, पर ये समय ऐसा है कि अभी तो ऐसा समय चल रहा है कि स्कूलों में बंद है। तो आज दोस्तों मेरा टॉपिक है कि विंटर जो फ्लावर होते हैं उनको हम कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। विंटर फ्लावर प्लांट भी हम कटिंग से लगा सकते हैं और ये इम्पेशेंट है दोस्तों, और जो कि कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। तो इम्पेशेंट का प्लांट आप कहीं से भी लाओ तो उसकी ढेर सारी कटिंग बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों ये पिटूनिया है, जो कि पिटूनिया भी दोस्तों कटिंग से बहुत आसानी से लग जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने इतनी सारी पिटूनियास की कटिंग लगाई है जगह जगह, जिससे कि अभी ये फ्लावर नहीं देंगे तब बाद में ये अच्छे से ब्लूम करेंगे दोस्तों। तीसरे नंबर पर दोस्तों आप कैलेंचो है, ये भी विंटर का बहुत ही अच्छा फ्लावर देने प्लांट है, और जो इसमें हाइब्रिड और देसी दोनों ही आते हैं। और दोस्तों बहुत ही आसानी से ये कैलेंचो कटिंग से लग जाते हैं। आप छोटी से छोटी कटिंग आप कहीं भी लगा देंगे और ये कैलेंचो ऐसा है कि बहुत ही आसानी से लग जाता है। यहाँ पे है पेंटास दोस्तों, पेंटास भी बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। ये विंटर फ्लावर प्लांट हैं दोस्तों, जो कि आप एक बार लाओ और आप इनके ढेरों प्लांट बना सकते हैं। ये कई कलर में आता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हो डेंथस है दोस्तों, डेंथस भी दोस्तों कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। आप एक डेंथस लाएंगे और उसकी आप ढेर सारी कटिंग कर करके प्लांट बना लेंगे, बहुत ही आसानी से इसकी रूटिंग्स हो जाती है और आप इनको सेव करके नेक्स्ट ईयर भी रख सकते हैं। और विंटर हो और डहलिया का नाम ना लो तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। डहलिया भी दोस्तों कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो छोटी छोटी सी कटिंग, मैंने डहलिया की कटिंग लगाई थी जो कि अच्छे से ग्रोथ हो गई है, जगह जगह मैंने इसकी कटिंग लगाई है। तो डहलिया एक ऐसा प्लांट है जो कि आप कटिंग से बहुत आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं और इसके कई ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। तो डहलिया को आप कटिंग से ज़रूर ग्रो करें। यहाँ पे है दोस्तों एनुअल क्रैंसेंथेमम, ये भी बहुत ही अच्छी गुलदावदी होती है और जो कि कटिंग से और सीड से दोनों से लग जाती है। यहाँ पे दोस्तों मैंने इसकी कुछ कटिंग लगाई हैं और ये अच्छे से लग गई हैं। यहाँ पे है दोस्तों गेंदा, गेंदा भी दोस्तों विंटर का बहुत ही प्यारा फ्लावर प्लांट होता है जो कि आप कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी छोटी छोटी ऊपर ऊपर की टिप्स आप अगर अभी भी लगा देंगे तो आपके बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ सीड डाले थे जो कि गेंदे के सीड से बहुत ही अच्छे से प्लांट छोटे छोटे ग्रो हो गए हैं। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं गुलाब है दोस्तों, ये मिनिएचर गुलाब है, ये भी दोस्तों कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। आप यहाँ देख रहे हो ये मैंने रोज़ की छोटी सी कटिंग लगाई थी और देखिए दोस्तों इसमें भी अच्छे अच्छे से स्प्राउट आ गए हैं और मुझे लग रहा है कि ये कटिंग से लग गई है। तो इस तरह रोज़ भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। और गुलदावदी है, ये विंटर का बहुत अच्छे प्लांट है। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने गुलदावदी की छोटी छोटी कटिंग लगा के रखी है जो कि बर्ड्स भी आ गई हैं दोस्तों। तो कटिंग से गुलदावदी भी बहुत आसानी से लग जाती है। यहाँ पे है कोलियस, कोलियस भी दोस्तों कटिंग से बहुत ही ईजी टू ग्रो है। आप इसकी पिंचिंग करो और ज़मीन में डाल दो तो बहुत ही आसानी से, यहाँ पे मैं पिंचिंग करके नीचे डाल देती हूँ और ये देखिए दोस्तों जहाँ मैंने इसकी पिंचिंग डाली थी छोटी सी डालती हूँ और वहीं से इसकी रूटिंग भी हो जाती है।
और कटिंग के बारे में विंटर में, और ये जो गुड़हल है इसको कैसे भूल सकते हैं दोस्तों। गुड़हल भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है, ये भी विंटर प्लांट है और बहुत ही अच्छे विंटर में फ्लावर देता है। तो कटिंग से विंटर में आप गुड़हल भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं, तो ये गुड़हल को आप ज़रूर कटिंग से ग्रो करें। यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों ये जेरेनियम है, जेरेनियम भी कटिंग से बहुत ईजी टू ग्रो है। और दोस्तों मैंने इसकी कटिंग लगाई नहीं है, पर मुझे यकीन है कि इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। तो जेरेनियम को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे है बिगोनिया, ये बहुत ही ईजी टू ग्रो है दोस्तों बिगोनिया। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसकी कटिंग, छोटी छोटी कटिंग लगाई थी, थोड़ा ऊपर है, दिखने में दिक्कत हो रही है बनाने में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बिगोनिया भी बहुत आसानी से दोस्तों कटिंग से लग जाता है, और इसकी छोटी कटिंग आप कहीं भी लगा देंगे। बस दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कटिंग में ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें और पानी को सूखने भी ना दें। छोटी सी मेरी शेयरिंग आपको कैसी लगी दोस्तों, और विंटर फ्लावर को कटिंग से ज़रूर ग्रो करें। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी दोस्तों का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे। बाय बाय।